गया के डीएम साहब त्यागराजन जी हमारे साथ हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। ये फाल्गुन नदी का किनारा है, यहाँ पर पिंडदान किया जाता है। सर बहुत भारी संख्या है, दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है, इस पर किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो जाए उसके लिए किस तरह के इंतजाम है यहाँ पर? देखिए आज आप समझ सकते हैं कि पहला दिन है जी, आज काफी भीड़ देखी गई है और पहली बार फल्गु नदी में पानी के साथ दर्पण देने का आज व्यवस्था शुरू की गई जी। माने मुख्यमंत्री के पहल से रबर डैम का निर्माण हुआ, यानी गया जी डैम कहिए उसको जी, वो भी मेरे ख्याल देश में शायद पहला डैम, सबसे बड़ा डैम है। और सबसे पहली बार इस बार फल्गु में पानी के साथ दर्पण देने के काम किया जा रहा है। अभी भी हम लोग नाव में घूम के आ रहे हैं, पानी को लगातार साफ करने का भी हम लोग त्रिपाल लगा करके वहाँ पर लगातार कर्मी प्रतिनिधि की, ताकि पानी में गंदगी नहीं रहे। बिल्कुल सर। और लोगों को जो करने में दिक्कत नहीं हो, तो लोग काफी संतुष्ट दिख रहे हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए हम लोग कई रास्ता हम लोग ने निर्धारित किया है, तो इसमें रास्ता डाइवर्ट भी हम लोग कर रहे हैं। हालांकि रास्ता कंजस्टेड है, जो रास्ता है उनको चिन्हित किया गया है, तो हम लोगों की कोशिश है कि धीरे धीरे लोगों को निकाला जाए। हर जगह प्रतिनियुक्ति किया गया है, अनाउंसमेंट होते जा रहा है। किसी भी प्रकार के स्टैम्पीड का रोकथाम के लिए हर तैयारी की है। सर आपको क्या लगता है कितने की उम्मीद है, कितने लाख लोग जो है श्रद्धालु जो आने की उम्मीद है इस मेले में? इस बार मेरा अनुमान है कि 10 लाख से ऊपर जरूर आएंगे। पहले अनुमान था कि 2018 में जब रजिस्टर किया गया है लगभग 7-8 लाख लोगों का संख्या, इस बार डेफिनेटली 10 लाख के ऊपर लोग आएंगे। तो सर 10 लाख लोगों को संभालना बड़ी मुश्किल बात है, तो उसके लिए प्रशासन और पुलिस के कितने लोगों को हमने इस व्यवस्था में लगाया हुआ है ताकि 10 लाख लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और वो विधि विधान से अपने अपने पिंडदान करके वापस जा सके? देखिए आप देख सकते हैं कि सारे प्रशासन इसमें लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि टॉयलेट्स झरना सब बने हुए हैं, पूरी घाट में टेंट की व्यवस्था की गई है, पानी से बचाव के लिए बैरिकेडिंग की गई है, लगातार सफाई की टीम लगातार लगी हुई है कि जो पिंडदान और उसको सफाई करें। रास्ते में पुलिस और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की, मंदिर में भी प्रतिनियुक्ति की, एनसीसी स्काउट के बच्चे भी लगे हुए हैं। बिल्कुल मिल देगा सर। तो ये सारे इंतजाम किया गया है और दिन प्रतिदिन हम लोग समीक्षा करेंगे, जो भी अतिरिक्त सुविधा की जरूरत हो वो हम लोग बढ़ाएंगे, उसको कराएगा। सर जब भीड़ ज्यादा हो जाती है तो जो मोस्टली जो क्राइम देखा गया है वो है पर्स चोरी करना, मोबाइल चोरी करना, बड़े मैं छोटा क्राइम है बड़ा, पर इस तरह की जो वारदातें हैं वो बढ़ जाती हैं भीड़ के समय में। और क्योंकि सारे जो हैं बाहर से आए हुए हैं तो जिसका पर्स चोरी हो जाता है उसको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि हर एक चीज पैसे से मिलती है और जब पैसे ही चले गए और उसमें डॉक्यूमेंट चले गए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चले गए, तो उन लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। तो इस तरह की जो छोटा क्राइम है सर, इसको रोकने के लिए कोई ऐसी पूरी इंतजाम पुलिस की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर 73 पुलिस शिविर का स्थापना की गई है। 73 जी, तो ऐसे कोई घटना नहीं होगी ऐसा पूरा उम्मीद है और सभी लोग तत्पर हैं, नजर रखे। एक और सर गुमशुदा वालों की भी है, कुछ लोग बच्चे वगैरह जैसे बिछड़ जाते हैं, ये भी बड़ा देखने को मिला है क्योंकि भीड़ है, भीड़ में ये चीजें होती रहती हैं, तो उसका अनाउंसमेंट वगैरह का कोई? इसके लिए अलग अलग कंट्रोल रूम जगह जगह बनाई गई है, कोया पाया सेल भी इसके लिए अलग हम लोग बनाए ताकि ऐसे कोई सूचना हो तुरंत हम लोग उसको निराकरण करके बच्चे अगर गुम हो गए उसको पकड़ा जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे कहते गया के डीएम साहब, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर ये व्यवस्था है बड़ी प्रॉपर की गई है ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उनका कहना है कि उम्मीद है कि इस बार 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो है गया में आएंगे पिंडदान करने के लिए, ये एक बड़ी संख्या है। और आपको बता रहे हैं इसमें सिर्फ देश के लोग नहीं आते बल्कि विदेश से भी बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु गया पहुँचने शुरू हो गया। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन अनिल अते अनिल के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए गया बिहार से।